स्टार्ट करेंगे नया चैप्टर, चैप्टर नंबर 13। इस चैप्टर का नाम है स्टैटिस्टिक्स। तो स्टैटिस्टिक्स की सबसे पहले बात करें तो स्टैटिस्टिक्स होता है क्या है, ये एक ऐसी ब्रांच है मैथमेटिक्स की जो इसमें डील करती है कलेक्शन ऑफ डाटा, कलेक्शन ऑफ डाटा फॉर वेरियस पर्पस। ब्रांच ऑफ मैथमेटिक्स विच डील्स विद द कलेक्शन ऑफ डाटा फॉर वेरियस पर्पस, अलग अलग पर्पस के लिए जो हम डाटा कलेक्ट करते हैं उससे डील करती है स्टैटिस्टिक्स। तो डाटा होता है क्या चीज है, दिस डाटा, व्हाट इज डाटा, डाटा की बात करें तो डाटा क्या चीज है, फैक्ट्स और फिगर्स, कोई भी फैक्ट्स फिगर्स जो रेट करते हैं, फैक्ट्स और फिगर्स रेट करते हैं जो न्यूमेरिकल्स भी हो सकते हैं या कोई इसके अलावा वो जो हम कलेक्ट करते हैं किसी डेफिनेट पर्पज के लिए उस चीज को हम क्या कहते हैं, डाटा। या इन सिंपल वर्ड्स यू के मैं एग्जाम्पल के थ्रू इसको समझाऊँ तो डाटा क्या है, मान लो क्लास नाइन्थ के आपके T1 के एग्जाम्स हुए तो 100 में से जो स्टूडेंट्स ने डिफरेंट स्टूडेंट्स ने मार्क्स ऑब्टेन किए उनकी मैंने वो इन्फॉर्मेशन कलेक्ट की, वो अवार्ड रोल बनाया, किसी स्टूडेंट के 100 में से 90 आए, किसी के 81 आए, किसी के 82 आए, किसी के 78 आए, किसी के 95 आए, किसी के 99 आए, किसी के 60 आए, किसी के 40 आए। ये मैंने 8 स्टूडेंट की इन्फॉर्मेशन कलेक्ट की, इसी चीज को हम क्या कहेंगे, जो इन्फॉर्मेशन कलेक्ट आउट ऑफ 100 स्टूडेंट्स के मार्क्स जो है, ये पूरी इन्फॉर्मेशन जो है 8 स्टूडेंट्स की, इसको हम क्या कहेंगे, डाटा। ठीक है, तो ये चीज क्या हमारे पास डाटा, कोई भी फैक्ट फिगर जो लेट करते हुए जैसे हाइट सब स्टूडेंट हो सकती है, मैं 9th क्लास के स्टूडेंट्स को देखता हूँ उनकी हाइट्स मेजर करके मैं इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करता हूँ, वो भी डाटा है। या उनके वेट्स लेता हूँ स्टूडेंट्स की, वेटिंग मशीन लेता हूँ स्टूडेंट्स के वेट्स करके उनका मैं अपने पास इंफॉर्मेशन रखता हूँ, वो चीज़ भी हमारे पास क्या है, डाटा। डाटा की स्टडी आई स्टैटिस्टिक्स। फिर डाटा के टाइप्स हैं, दो टाइप्स के डाटा, एक होता है प्राइमरी डाटा और एक होता है सेकेंडरी डाटा। प्राइमरी डाटा क्या है, एंड इंफॉर्मेशन इज कलेक्टेड बाय द इन्वेस्टिगेटर हिमसेल्फ और हरसेल्फ फॉर अ डेफिनेट पर्पस, उसको हम क्या कहेंगे, किस टाइप ऑफ डाटा इज कॉल्ड एज प्राइमरी डाटा, जहाँ पे इन्वेस्टिगेटर खुद इंफॉर्मेशन कलेक्ट करता है। जितनी मैंने एग्जाम्पल्स दी ये क्या था, हमारे पास प्राइमरी डाटा था। और दूसरा क्या है, सेकेंडरी डाटा, मैंने इंफॉर्मेशन कलेक्टेड फ्रॉम अ सोर्स, किसी सोर्स से इंफॉर्मेशन कलेक्ट करते ऑलरेडी हैज इंफॉर्मेशन स्टोर्ड, इसको हम क्या कहेंगे, सेकेंडरी डाटा। जैसे मतलब सेकेंडरी डाटा, जैसे किसी नेट पे से कोई इंफॉर्मेशन लेते हैं वो क्या सेकेंडरी डाटा। या जैसे मैं जाता हूँ टीवी कॉलेज नोएडा में जाता हूँ, वहाँ पे डिफरेंट स्टूडेंट्स की अटेंडेंस लेनी है मुझे, तो अटेंडेंस लेने के लिए मुझे वहाँ के रजिस्टर से टीचर्स से रजिस्टर से उनके अटेंडेंस लूँगा, तो वो मैं खुद जाकर उनके अटेंडेंस नहीं ले रहा हूँ, वो किसी सोर्स के थ्रू मैं कलेक्ट कर इन्फॉर्मेशन, उस टाइप के डाटा को हम क्या कहेंगे, सेकेंडरी डाटा। जहाँ पे किसी सोर्स से इन्फॉर्मेशन ली जाती है वो सेकेंडरी है, और जहाँ खुद इन्वेस्टिगेटर ये इन्फॉर्मेशन लेता है कलेक्ट करता है, तो वाई प्राइमरी डाटा। तो इसी के बेसिस पे आपकी फर्स्ट एक्सरसाइज है, फर्स्ट एक्सरसाइज में आपने बतानी है एग्जांपल्स, योर 5 एग्जांपल्स ऑफ डाटा व्हिच यू कैन कलेक्ट फ्रॉम योर डे टू डे लाइफ। तो कोई भी आप 5 एग्जांपल दे सकते हो डाटा की जो आप एवरीडे लाइफ से कलेक्ट कर रहे हो। तो मैं एग्जांपल्स आप देख सकते हो, जैसे रिजल्ट ऑफ कलेक्शन हेल्ड इन फॉर 2017 ऑब्टेन फ्रॉम कैलिफोर्निया न्यूज़पेपर। 2017 में कोई भी जो इलेक्शन हुआ था उसकी इन्फॉर्मेशन मान लो आपने टीवी या किसी न्यूज पेपर ली से ली, तो वो भी डाटा है। या आप देख सकते इलेक्ट्रिसिटी बिल्स आप और स्कूल फॉर लास्ट टेन ईयर्स के आप इलेक्ट्रिसिटी बिल्स कलेक्ट करते हैं, वो भी एक आपके पास डाटा है। या इलेक्ट्रिसिटी ये प्रोडक्शन ऑफ वेरियस एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स इन द लास्ट 10 ईयर्स, कौन कौन से एग्रीकल्चर प्रोडक्ट हमारे कंट्री में प्रोड्यूस हुए पिछले 10 सालों में, वो भी डाटा है। फिर नंबर ऑफ एक्ल्स इन आवर सोसाइटी, वो भी एक डाटा है। नंबर ऑफ फीमेल्स पर 100 मेल्स इन पर्टिकुलर स्टेट, इस पर्टिकुलर या जे के यू टी में, जे एन टी यू टी में पर 100 मेल्स कितनी
क्वेश्चन नंबर टू फर्स्ट एक्सरसाइज का क्या है, तो ह्यूमिडिटी का क्वेश्चन दे हैं आप खुद ही देखोगे। क्वेश्चन नंबर टू में क्लासिफाई करना है डाटा को, जो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में हमने इंफॉर्मेशन लिखी उनको क्लासिफाई करना है सेकेंडरी में और प्राइमरी डाटा में। तो यहाँ पे देख लेना जो आप इंफॉर्मेशन खुद जाके कलेक्शन की होगी या से इलेक्ट्रिसिटी बिल्स की बात की मैंने, तो इस टाइप का डाटा जो है या नंबर ऑफ फैकल्टी यूनिवर्सिटी सोसाइटी आप खुद पर्सनली जाके कर सकते हो। इस टाइप का डाटा क्या है प्राइमरी डाटा और सेकेंडरी डाटा क्या है, रिजल्ट ऑफ इलेक्शन हर डे मैंने कहा था, तो वो आप न्यूज़ में किसी दूसरे सोर्स से देख रहे हो या जैसे प्रोडक्शन ऑफ वेरियस एग्रीकल्चर प्रोडक्ट लास्ट 10 ईयर्स के, ये भी आप वेरियस सोर्स से ले रहे हो, या नंबर ऑफ फीमेल्स पर 1000 मेल्स ये भी आप किसी दूसरे सोर्स से ले रहे हो, तो ये चीज भी इसमें आएगी सेकेंडरी डाटा में। ये थी आपकी फर्स्ट एक्सरसाइज। नेक्स्ट देखो इसमें हम पढ़ेंगे प्रेजेंटेशन ऑफ डाटा। प्रेजेंटेशन ऑफ डाटा क्या होता है, जब भी हम डाटा को ऑर्गेनाइज करते हैं या इसकी प्रेजेंटेशन अलग अलग तरीकों से होगी, तो सबसे पहला हमारे पास है फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल। इसके बेसिस हम देखेंगे फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल, तो ये कैसे बनाते हैं डाटा को, फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल में हम कैसे रिप्रेजेंट करेंगे एक्सरसाइज इसी के बेस पे डायरेक्ट एक्सरसाइज से क्लियर होगा। तो मैं आपको एक्सरसाइज 14.2 देखो, इसमें फर्स्ट क्वेश्चन दिया गया है। फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, द ब्लड ग्रुप ऑफ 30 स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 8 आर रिकॉर्डेड एज फॉलोस। ये अलग अलग स्टूडेंट्स के ब्लड ग्रुप्स दिए गए हैं, ए बी ओ ओ ए बी, रिप्रेजेंट द डाटा इन द फॉर्म ऑफ फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल। इसका आपने फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल बनाना है, विच इज द मोस्ट कॉमन है, विच इज द रेयरेस्ट ब्लड ग्रुप अमंग दीस तीन कॉलम्स में पहला क्या आएगा आपको, पहला कॉलम ब्लड ग्रुप, अलग अलग स्टूडेंट्स के ब्लड ग्रुप से, तो पहला ब्लड ग्रुप वाला, फिर इसका टैली मार्क्स, टैली मार्क्स, और तीसरा आएगा इसकी फ्रीक्वेंसी या इसको आप क्या कह सकते हो कि नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स की बुक से देखोगे इसको फ्रीक्वेंसी बोलते हैं, ठीक है। तो अब आपने ब्लड ग्रुप से अलग अलग डिफरेंट ब्लड ग्रुप से, सबसे पहले ब्लड ग्रुप किस टाइप ए ब्लड ग्रुप क्या कौन सा लेंगे, ए ब्लड ग्रुप, तो यहाँ से आपने गिनना है, उससे ही क्वेश्चन से ही गिनना है कितने स्टूडेंट्स के ए आ रहा है, ये कितनी टाइम्स यहाँ पे इस टाइप में इंफॉर्मेशन आ रहा है, तो आप काउंट करोगे 1, 2, 3, 4 ये डायगोनल टाइप ये रिप्रेजेंट करेगा, फिफ्थ फाइव पांच का ये ग्रुप बनेगा, फिर आगे पांच भी हो गए फिर दूसरे में 1, 2, 3, 4, 5 and 4 becoming 9 blocks। इस तरह से दूसरा ब्लड ग्रुप क्या है बी, तो बी चेक करो कितने स्टूडेंट क्या है, यहां से देखो 1, 2, 3, 4, 5 and 6 सिक्स स्टूडेंट्स क्या है, इसका सिक्स का डायरी मार्क्स कैसे लिखोगे 1, 2, 3, 4, 5 और उसके बाद
से लगा तो ये बन गया 5 + 1 = 6। फिर नेचुरल रूट कौन सा है, ओ ओ कितने स्टूडेंट्स से है ये देखो, ओ कितनी बार अगर कर रहे हैं आप 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 स्टूडेंट्स। इसके पहले मार्क्स आए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 और लास्ट में आएगा ए बी। ए बी कितने स्टूडेंट्स के हैं 3 1 2 3। तो लास्ट में आप यहां से टोटल कर ये बनाओगे, टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कितने 9 6 15 12 13 30 स्टूडेंट्स के ऊपर सर्वे की। तो ये आ गया आपका फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल, बस इस तरह से बनाना है। ये इनकी फ्रीक्वेंसी और यहाँ से टैली मार्क्स के लिए बन गया फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल। फिर यहाँ से आपको स्टडी करना है क्या क्वेश्चन पूछा है, मोस्ट कॉमन और मोस्ट सीरियस ब्लड ग्रुप क्या है। मोस्ट कॉमन ब्लड ग्रुप कौन सा है जो सबसे ज्यादा बार अफेक्ट कर रहा है, मोस्ट कॉमन कॉमन ब्लड ग्रुप इज ओ, मोस्ट रेयरेस्ट ब्लड ग्रुप इज रेयरेस्ट ब्लड ग्रुप क्या है, सबसे कम ए बी। तो यह है स्टूडेंट टेबल, इसी तरह से आपने बात क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं। देखो सेकंड थर्ड में से एक और क्वेश्चन में सॉल्व करता हूँ, क्वेश्चन नंबर थर्ड क्वेश्चन ये सॉल्व करता हूँ। यहाँ पे हमने क्या क्या दिया कि क्वेश्चन नंबर थ्री में रिलेटिव ह्यूमिडिटी परसेंटेज दी गई किसी सिटी में 30 डेज की, जो ह्यूमिडिटी उसकी है परसेंटेज दी गई। इसका हमने सबसे पहले रूफ फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल बनाना है, इस तरह से क्लासेस होंगी 80 to 84 to 86 86 to 88 इसको हम रूफ फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल बोलेंगे। फिर यहाँ से क्वेश्चन पूछे हैं किस मंथ में, विच मंथ आर सीजन डू यू थिंक दिस डाटा इज अबाउट, ये डाटा किस मंथ का हो सकता है ये बताना है और इसका रेंज बताना है, इस डाटा का रेंज क्या है। देखो सबसे पहले इसका हम फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल बनाते हैं क्वेश्चन नंबर 3। तो देखो क्या आएगा 84 to 86 86 to 88 86 to 90 90 to 92 92 to 94 94 to 96। सबसे हाईएस्ट कहां तक हमने जाना है 100 तक चलते हैं क्योंकि 96 to 98 and 98 to 100 ये बनाओ यहां से लास्ट वाला रहेगा टोटल का टोटल। फिर यहां से कौन सा 84 और 86 के बीच में कितनी ये वैल्यूज आ रही है 80 की
सेवन, तो सेवन के रिमार्क्स आएगा वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन। फिर 94 टू 96 कितने हैं, सिक्स, वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स। फिर 96 टू 98 कितने हैं, सेवन, वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन। और 98 टू 100 कितने हैं, फोर, वन टू थ्री फोर। और नंबर ऑफ डेज इतने ही आएंगे, इनका काउंट करते 30 डेज यानी कि ये दिस इज 2 2 4 2 6 7 13 6 19 19 प्लस 7 is 26 प्लस 4 30। ये बन गए स्टूडेंट्स डिस्ट्रीब्यूशन, जो तैयार हो गया। नेक्स्ट यहां से पूछा है किसके रिलेटेड वीडियोस, तो ये ह्यूमिडिटी जब भी इतनी ज्यादा ह्यूमिडिटी है 84 से ऊपर है और आपको 100 भी आ रही है, इसका मतलब किसी रेनी सीजन की ही ह्यूमिडिटी होगी। तो फर्स्ट पार्ट का आंसर क्या आएगा, रेनी सीजन। ये फर्स्ट पार्ट है, और इसी टेबल बनाना है सेकंड पार्ट में कि सीजन का जो आप लिखो रेनी सीजन, और तीसरे पार्ट का लिखोगे क्या, ये तीसरे पार्ट में रेंज ऑफ डाटा, रेंज ऑफ डाटा का मतलब मैक्सिमम वैल्यू माइनस मिनिमम वैल्यू, रेंज ऑफ द डाटा इज इक्वल टू मैक्सिमम वैल्यू माइनस मिनिमम वैल्यू। वैल्यू मैक्सिमम वैल्यू क्या है इसकी, मैक्सिमम वैल्यू है 99.2 और 84.8 है इसकी मिनिमम वैल्यू, 84.9 सॉरी 9। इनके डिफरेंस करो तो ये आएगा इसके रेंज या तो 14.3, इनके डिफरेंस कर तो कितना आएगा 14.3, इसका रेंज ये आया क्वेश्चन नंबर 3। नेक्स्ट इसी के बेसिस पे सारे क्वेश्चन हैं, ऐसे ही आपने ये देखना है इनको, जहाँ रुक दिया गया होगा तो इसने आपके पास से रेंज दी गई होगी कैसे बनाने ग्रुप वाला, फोर्थ फिफ्थ सिक्स आप ग्रुप होमवर्क करोगे, सेवन एट मैं लास्ट वाला नाइन्थ क्वेश्चन करवा देता हूँ आपको, बाकी आपने खुद से ही देखना है। तो देखो क्वेश्चन नंबर 9 ये सभी रिलेटेड है, लास्ट क्वेश्चन इसका क्वेश्चन नंबर 9। यहाँ पे भी हमने क्या करना है, कंपनी मैन्युफैक्चर कार बैटरीज इन अ पर्टिकुलर टाइप, तो फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल हमने कंसिडर करने यूजिंग क्लास इंटरवल ऑफ साइज 0.5 स्टार्टिंग फ्रॉम द इंटरवल 2 to 2.5, 0.5 का क्लास इंटरवल है जो फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल बनाना है। बैटरीज दूसरा आएगा इसमें डेज या मंथ्स में ईयर्स में होगी इसका टेलीमॉक्स, और तीसरा आएगा फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी। तो सबसे पहले 0.5 को क्या बता रहे, 2.0 to 3.0, 3.5 to 3.0, 3.0 to 3.5, 3.5 to 4.0, 4.0 to 4.5.
यहाँ से टैली मार्क्स दिए गए हैं, तो देखना 2.0 से 2.5 तक कितनी वैल्यूज है। यहाँ से देखो कितनी है, 2 टैली मार्क्स क्या आएगा इसका, ये और फिर बर्सी क्या आएगी इसकी, 2। फिर 2.5 और 3.0 कितनी है, 6। 1, 2, 3, 4, 5, 6 टैली, आगे फिर बर्सी 6। 3.0 टू 3.5 काउंट करो, ये कितने 14 14 के टैली मार्क्स आए, 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4। फिर उसके बाद 3.5 टू 4.0 कितने हैं, दिस अलाइनमेंट 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5, 1, that is alignment. 4.0 to 4.5, कितने हैं, 4, 1, 2, 3, 4, और 4.5 to 5.0 कितने हैं, 3, 1, 2, total कितने हैं, 6 to 8, 22, 33, 37, 40 तो ये बन गई फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल। इस पे बस इतना ही बनाना था, बाकी जो बच्चे क्वेश्चन और रेडी से आपको सॉल्व करोगे नेक्स्ट में।